नमस्कार, सद्भावना पार्टी न्यूज में मैं देवेंद्र मलिक आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि है। मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो चंद्रशेखर के बहुत नज़दीक रहे, जिन्होंने चंद्रशेखर जी को बहुत नज़दीक से समझा और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा। मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूं क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी से। भदौरिया जी नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र भाई। भदौरिया जी, हम दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी की लाइफ कैसी थी और उनकी लाइफ से आपने क्या सीखा और हमारे दर्शक उनकी लाइफ से क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं। संपूर्ण सद्भावना पार्टी के दर्शकों को मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा, सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और सम्मान करता हूँ। देवेंद्र भाई, आज बहुत अच्छा समय है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो कि युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे, युवाओं को तो इस देश में बहुत सारे लोगों ने प्रभावित किया और युवा लोगों से प्रभावित भी रहे, लेकिन भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, वो थे चंद्रशेखर, जो कि हर युवा को अपना मित्र बनाते थे और उसको मित्र भी नहीं बनाते थे, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको राजनीति में अगर लाने का काम किसी ने किया तो वो मात्र चंद्रशेखर थे। तो आज क्योंकि उसी विषय में हम बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर के अवसर पर, सुनी अनसुने किस्से में, तो मैं बहुत सारे जीवन में चंद्रशेखर के जीवन के जो किस्से हैं वो मैं आपके जीवन में लाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर मात्र आज देश के नेताओं का राजनीति में जो क्षय हुआ है, अगर चंद्रशेखर जैसे लोग आज भी हमारे यहाँ बीच में हो तो राजनीति का क्षय नहीं हो सकता। आज आम जनता जो राजनीति को एक हेय दृष्टि से देखती है, राजनीतिक पर पूर्ण विश्वास नहीं करती, वो कभी चंद्रशेखर के जीवन में नहीं था। जिस तरह से आज राजनेता जनता को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो कह देते हैं ये तो हमारा जुमला था। चंद्रशेखर के जीवन में ऐसा कोई चीज नहीं थी, वो जो कहते थे वो करते थे। चंद्रशेखर ये कहा करते थे, जो मैंने कह दिया वो ही मुझे करना है, उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। इसी से संदर्भ में बताता हूं कि चंद्रशेखर जो कहते थे वो करते थे। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे और उसी बीच एक ऐसी घटना घटी कि चंद्रशेखर को लगा कि मुझे अब प्रधानमंत्री पद का से मुझे मुक्ति चाहिए, और जब वो प्रधानमंत्री पद से मुक्ति के लिए आए और प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने का विचार कर लिया, ये कहानी एक लंबी है, उसको दूसरे चरण में हम बताएंगे आपको। अभी चूंकि चल रही है कि जो कहा करते थे वही किया करते थे, तो चंद्रशेखर ने जब अपना इस्तीफा तैयार कर लिया तो राजीव गांधी ने शरद पवार को उनके पास भेजा, क्योंकि उस घटनाक्रम के पूरे जो जानकार थे, इस्तीफा लेने से और इस्तीफा देने के बीच की घड़ी कड़ी थी, और राजनीतिक जो दबाव चंद्रशेखर पर बनाया जा रहा था, चंद्रशेखर कभी किसी दबाव को बर्दाश्त न करने वाला, इस देश का राजनीतिक के नाम पर अगर कोई नाम आएगा तो चंद्रशेखर आएगा। जैसे मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि कथनी और करनी में अगर कोई अंतर ना लाने वाला अगर कोई नेता आएगा तो वो चंद्रशेखर आएगा जी। तो चंद्रशेखर जी ने जब वो मन बना लिया कि मुझे अब प्रधानमंत्री जैसे पद से पर नहीं रहना, क्योंकि वो था किसी दबाव का और दबाव के सहन करने के चंद्रशेखर कभी आदी नहीं थे, चंद्रशेखर दबाव मुक्त व्यक्ति थे। तो चंद्रशेखर ने जब अपना इस्तीफा मन बनाया, शरद पवार आए चंद्रशेखर जी के पास, क्योंकि आप भी वहां चंद्रशेखर जी के पास बहुत उस जब चंद्रशेखर जी थे साथ में, तो 7-8-9 में आप भी उनके घर के आसपास, देवेंद्र जी भी आया करते थे, तो शायद आपको याद होगा कि उनके बंगले का नंबर था 3 South Avenue। जी जी जी। तो 3 South Avenue में ही शरद पवार आए और उन्होंने कहा, चंद्रशेखर जी अभी इस देश को प्रधानमंत्री पद पर आपकी बहुत आवश्यकता है और राजीव गांधी भी चाहते हैं कि आप इस्तीफा ना लें। चंद्रशेखर जी ने कहा, शरद जी राजीव गांधी जी से कह दीजिएगा कि मैं चंद्रशेखर हूं,
पर चंद्रशेखर एक मैंने निर्णय ले लिया था, एक निर्णय की बात हुई और अब जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय को चंद्रशेखर कभी भी अपने दिन में निर्णय नहीं बदला करते। तो ये थे चंद्रशेखर और चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद पर इस्तीफा दे दिया। भदौरिया जी, ऐसी कौन सी घटना है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है या जिससे आपको सीखने को मिलता है चंद्रशेखर जी की? चंद्रशेखर के जीवन में एक नहीं 1000 घटनाएं हैं। यूं कहें तो वो राजनीति में युवा तुर्क के रूप में जब जाने जाते थे और माने जाते थे, तो वो उनका हर आचरण, मैं आपको आज मंदिर का जो मुद्दा है कोर्ट के द्वारा सुलझा लिया गया उसके विषय में बताता हूँ। और यह बहुत कम लोग इस बात को, जानकारी तो बहुत कम लोगों को होगी लेकिन मेरी बात को स्वीकार भी बहुत कम लोग करेंगे, लोग मानेंगे भी नहीं कि चंद्रशेखर ने ऐसा कर लिया था। जब मंदिर विवाद, चंद्रशेखर का प्रथम लक्ष्य प्रधानमंत्री बनते ही, 3-4 चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो हमारा देश सबसे ज्यादा आर्थिक परेशान था, तो वो चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने के समय था। हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मात्र 27 दिन की विदेशी करेंसी बची थी। अब बात हो रही है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की, तो चंद्रशेखर के अपने छोटे से 7 महीने के कार्यकाल में चंद्रशेखर ने राम मंदिर का मुद्दा पूरा सुलझा लिया था। चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार से हट करके अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में सारे हिंदू नेताओं को बुलाया और कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए। बोले बिल्कुल बनना चाहिए, तो आप राम मंदिर बनवाने की भूमिका में आइए। तो बोले हम भूमिका में आ जाएंगे लेकिन सरकार को आश्वासन देना होगा कि राम मंदिर जब बनेगा तो सरकार कोई किसी प्रकार की गोली या ये ना चला। तो उन्होंने कहा आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं और गोली से भी डरते, मृत्यु से भी डरते, जब राम को चाहते हैं फिर मृत्यु से क्यों डरते? जब राम आपको तैयार है कि किसी भी कीमत पे हमारा मंदिर बनना चाहिए तो बनाना शुरू करिए। और मैं चंद्रशेखर हूं, मैं किसी को कंधे पे रख करके, मैं प्रधानमंत्री भी हूं और प्रधानमंत्री के साथ मैं चंद्रशेखर हूं, मैं किसी के कंधे पे रखकर गोली चलाने का आदेश नहीं करूंगा, मैं सीधा गोली चलाने का आदेश करता हूं। तो आप मंदिर बनाना चाहते बनाइए, लेट क्यों करते? मर जाएंगे तो भगवान राम के हो रहेंगे और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो सारे हिंदूवादी नेता उस समय थोड़ी देर के लिए चुप, फिर उन्होंने इसी तरह से मुसलमान के सारे नेताओं को बुलाया और उनसे कहा आप बाबरी मंदिर का भी निर्माण करना चाहते? बोले करना चाहते हो, करो करो। तो ये थे चंद्रशेखर, जो मैं कह रहा हूं कि कथनी और करनी में अंतर नहीं था। वो कहते थे अगर आप करना चाहते तो करो, और चंद्रशेखर ने कहा कि ये शरद या पवार जी बैठे हुए हैं, इनके मन में, इनके साथ बैठ करके आप एक इनकी अध्यक्षता में एक बैठक कर लीजिएगा और मुझे 30 दिन के अंदर निर्णय कर लीजिएगा कि राम मंदिर बनेगा और आपकी क्या क्या भूमिका रहेगी। तो करीब करीब मुस्लिम नेताओं का उस समय यह था, जो आज फैसला हुआ वो मुसलमान उस समय थे, कि हमें अयोध्या से हम अपना समेट लेते हैं और अयोध्या के विषय में हमें कोई भी विवाद नहीं चाहिए, लेकिन सरकार और हिंदू नेता हमें यह निश्चित कर दे कि मथुरा और काशी ये फिर एजेंडा इनका बाहर नहीं होना चाहिए। जहां जैसी स्थिति है वहां वैसी स्थिति बनी रहे। लगभग देवेंद्र जी ये मुद्दा 30 दिन के अंदर सुलझ गया था और सुलझने वाला था। तो ये बात शरद पवार को पता थी कि अब अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा। चंद्रशेखर जी कांग्रेस के समर्थन से ही प्रधानमंत्री थे, या यूं कहें कि उनकी बैसाखी पर भी थे। तो ये शरद पवार ने ये बात जो है यूं कहें कि लीक कर दी या सबको बता दी या ये बात कह दिया। उस समय के 3 कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें से एक, जब ये बात हुई तो एक उस समय के बहुत बड़े तांत्रिक मेरे बहुत निकट रहे, चंद्रा स्वामी जी के घर पर ये मीटिंग, चंद्रा स्वामी जी के आश्रम पर, आप चूंकि देवेंद्र जी भी वहां आया जाया करते थे तो उनके यहां जब ये मीटिंग हुई, मैं उन सब लोगों का प्रतिनिधिदर्शी हूं, तो उनके यहां ये मीटिंग हुई और मीटिंग होकर के ये लग गया कि अब मंदिर बन जाएगा। तो शरद पवार ने ये बात माधवराव को बताई। माधवराव गुलाम नबी आजाद और सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट, ये तीनों लोग
राजीव गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजीव जी आप क्या मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। बोले कि वहां मंदिर बन रहा है, राजीव जी ने कहा कि मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, भारत की एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। राजीव जी उदारवादी थे और आगे की सोचों को भी सोच रखा करते, लेकिन कांग्रेस हमेशा जड़ से खत्म हो जाएगी और चंद्रशेखर भारत के एक सर्वमान्य प्रधानमंत्री मान लिए जाएंगे, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा, चंद्रशेखर को रोकना होगा। फिर उसके बाद जो हुआ देश में वो आपको पता है कि किसी तरह से दो लोग हरियाणा पुलिस के सादी वर्दी में गिरफ्तार किए गए और ये कहा गया कि ये राजीव गांधी की जासूसी करते हैं और राजीव गांधी उसकी जासूसी कर रहे हैं जिनके माध्यम से केंद्र में सरकार है। और इस बात को लेकर के जब कहा गया तो चंद्रशेखर एकदम भड़क गए और चंद्रशेखर जान गए कि ये मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं। राजनीतिक प्रपंच उनके खिलाफ राजनीतिक प्रपंच था और वो प्रपंच क्या वो सीधा सीधा था, दबाव बनाना चाहते हैं और वो दबाव चंद्रशेखर ने कभी झेला नहीं। हाँ, एक इसकी घटना और पुरानी मैं आपको बताता हूँ और इस्तीफा दे दिया जी। अब मैं ये और एक बार और बता रहा हूँ कि दबाव चंद्रशेखर ने कभी नहीं झेला जी। चंद्रशेखर उस समय कांग्रेस में सांसद थे और युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे और युवा सांसद थे, तो इंदिरा जी ने उनसे कहा कि आप कांग्रेसी हैं लेकिन कांग्रेस में आप समाजवादी की विचारधारा, अगर चंद्रशेखर होते तो मुझे लगता है अगर चंद्रशेखर इस दीर्घकालीन भारत के प्रधानमंत्री होते तो जो आरक्षण की आज व्यवस्था है, जो आरक्षण की आज लड़ाई है, जिसके लिए आरक्षण जूझ रहा है, शायद ये भी समाप्त हो गई। समाज से जुड़ करके रहने वाले अगर व्यक्ति थे तो वो चंद्रशेखर थे। अब उसमें उनकी वादी जोड़ दी जाए तो वो अलग है, वो समाज की धारा को मुख्य रूप में जोड़ करके चलने वाले थे, तो इसलिए आप उनको इस शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि समाजवादी, लेकिन मैं समाजवादी का मतलब ये नहीं कहता कोई वादी, वो समाज से लोग जोड़ने वाले। समाजवादी तो आज एक पार्टी का नाम हो गया, उन समाजवादी लोग हैं और ये ऐसा वो नहीं, वो एक समाज को अपने साथ जोड़ करके सारे समाजों के प्रति जो है देश के साथ जोड़ने वाले थे। चंद्रशेखर जो है झुकना पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप समाजवादी विचारधारा को कांग्रेस में जीवित करना चाहते हैं। बोले जीवित नहीं करना चाहता हूं, मैं इस विचारधारा को कांग्रेस में मान्य कर दूंगा और अगर मान्य नहीं कर पाया तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। इंदिरा जी बोले ये एक मात्र सांसद और ये इस तरह से बात कर रहा है, तो वो थे चंद्रशेखर। बहुत बहुत धन्यवाद सद्भावना पार्टी का और मुझे आज बहुत हर्ष है कि मैं चंद्रशेखर के जी के साथ रहा और हमेशा उनके जो विचार थे, जो जीवन में वो जीने की शैली थी, वो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि वो शैली मेरे जीवन में आई और आज उनकी पुण्यतिथि पर ये बात जो है लोगों तक पहुंचेगी, इसके लिए मैं पुनः साधुवाद आपको देता हूं और सद्भावना पार्टी के समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। कही अनकही सुनी अनसुनी के लिए देवन मालवीय।